हेलो स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस दैट हाउ टू फाइंड मीडियन। और फिर मैंने बताया था कि देर आर टू टाइप ऑफ सी एफ होती है, सी एफ दैट इज लेस देन और मोर देन टाइप। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट अ मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा थ्रू अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ अ डाटा। क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स गिवन है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5, 15, 30, 8 एंड 2, एंड यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दैट डाटा। नाउ सॉल्यूशन के अंदर पहले तो ये दोनों टेबल में मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखूंगा। मार्क्स सी आई क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज है उसके फॉर्म में गिवन है। नाउ मार्क्स और नंबर स्टूडेंट्स नोट करने के बाद थर्ड जो ब्लॉक बनेगा बनेगा सी एफ का। जब भी मीडियन फाइंड करेंगे उसके अंदर सी एफ बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सी एफ निकालेंगे, सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे पहली वाली फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसका 5 और 0 5 का सम करेंगे तो 5 ही आएगा। सेकेंड वाले अगर मैं कैलकुलेट करूँगा सेकेंड वाले क्लास इंटरवल के लिए तो आएगा 15, और 15 से पहले कौन सी है 5, क्योंकि 15 और 15 से पहले वाली फ्रीक्वेंसीज का सम वो तो कहला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 प्लस 5 दैट इज 20। तो सेकंड वाले के लिए 20 आ गया। थर्ड वाले के लिए कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ तक 20 आ गया, 20 में क्या ऐड कर दूंगा मैं 30, 20 प्लस 30 50। फिर नेक्स्ट के लिए 50 में क्या ऐड कर दूंगा 8, तो 50 प्लस 8 दैट इज 58, 58 आ गया। 58 में फिर क्या ऐड कर देंगे 2, 58 प्लस 2 कितना हो गया 60। तो सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो आपने लिखा 5 फर्स्ट वाले में, 5 के बाद क्या ऐड करना है 5 प्लस 15 दैट इज 20 हो गया। यहाँ तक का सम 20, मतलब 5 और 15 को जब ऐड कर दिया यहाँ तक का सम 20 हो गया। तो 20 के बाद क्या है, यहाँ तक का सम 20 है, 20 के बाद 30, तो 20 प्लस 30 दैट इज 50, यहाँ तक का 50 हो गया। 50 प्लस 8 58, यहाँ तक का 58 हो गया। 58 प्लस 2 60, तो लास्ट कितना गया 60, मीन्स सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो गया 60। तो ये निकाल लिया सी एफ। फिर आगे हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसीज का सम कहलाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम, जिसको बोलते हैं एन। तो एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 60। इन सबका सम करेंगे किसके इक्वल आएगा, 60 के इक्वल। यहाँ से एक मेथड और निकलता है कि आपने जो सी एफ निकाली है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम किया है आपने दैट इज समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई अन फ्रीक्वेंसीज को जब सी एफ निकाला, सी एफ के जो लास्ट वैल्यू है वो आई 60। ये दोनों समीशन ऑफ एफ आई और 60, ये दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों मैच करें इट मीन्स आपने जो सी एफ निकाली है वो एकदम करेक्ट है। तो आपने एन निकाल लिया दैट इज 60, सी एफ कैलकुलेट कर ली हर क्लास इंटरवल के लिए, तो एन की वैल्यू निकाल ली 60। अब एन की वैल्यू निकाल ली 60, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, एन के बाद एन अपॉन टू फाइंड करना होता है। तो एन अपॉन टू कैसे करेंगे, एन की वैल्यू 60 है, 60 को 2 से डिवाइड कर दिया 30। अब नेक्स्ट क्या देखना है, सी एफ देखनी है अपन को जस्ट ग्रेटर देन 30। सी एफ देखनी है क्लास इंटर ये सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 30, 30 से जस्ट बड़ी, 30 से जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है, देखो 5 30 से छोटी है, 20 भी 30 से छोटी है, फिर आएगा 50, क्योंकि 30 से जस्ट बड़ी सी एफ देखनी है तो आएगा 50। 50 के जस्ट सामने वाली जो क्लास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। सो सी एफ जस्ट ग्रेटर देन 30 इज 50। सो क्लास इंटरवल इन फ्रंट ऑफ 50, 50 सी एफ के सामने वाला क्लास इंटरवल कौन सा है, 20 से लेके 30। सो द मीडियन क्लास, मीडियन की क्लास क्या होगी, 20 से लेके 30। जब 20 से लेके 30 जब मीडियन क्लास पता लगी तो मीडियन क्लास की एल लोअर लिमिट दैट इज 20, एंड इन दोनों के बीच का गैप दैट इज 30 माइनस 20 दैट इज 10, वो आ गया आपके पास एच। तो एल और एच पता लग गया। नाउ एफ क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10, तो एफ की वैल्यू सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी 30। तो मॉडल क्लास के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी एफ दैट इज 30। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल मॉडल क्लास इज 30, मॉडल क्लास नहीं मीडियन क्लास है सॉरी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नॉट मॉडल क्लास मीडियन क्लास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या निकल लिया आपने 30। नाउ सी एफ क्या है, सी एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये इंपॉर्टेंट है सी एफ की। अब सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ ऑफ अ क्लास इज प्रीसीडिंग अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपकी पता थी 20 से लेकर 30 है, तो इससे जस्ट पहले वाली सी एफ होगी। तो इससे जस्ट पहले वाली प्रीसीडिंग मतलब पहले, इससे जस्ट पहले वाली सी एफ कौन सी 20। सो द सी एफ क्या होगी, सी एफ इज द सी एफ ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास दैट इज 20। नाउ अब आपके पास सी एफ भी निकाल लिया 20,
एफ बी निकाल लिया 30, एल बी निकाल लिया 20, एच बी निकाल लिया 10। अब क्या करना है, बस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस ए डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एल लोअर लिमिट आपको दे रखी 20, वैल्यू पुट कर दी, प्लस एन बाई टू की वैल्यू निकाल ली 30, माइनस सी एफ कैलकुलेट कर ली 20, वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी की जगह 30 पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू 10 पुट कर दी। नाउ कैलकुलेट कर लेंगे 20 प्लस 30 माइनस 20 इज 10, 10 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 10 डिवाइड बाय 3, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3.33 में क्या ऐड कर देंगे लास्ट में 20, तो आंसर आएगा 23.33। दिस इज द फाइनल मीडियन ऑफ द डाटा। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।